खराब करने का काम सबसे ज्यादा खराब लाइफस्टाइल में गलत खान पान कर रहा है। अगर एक स्टडी का जिक्र करें तो स्टडी ये कहती है कि जंक फूड फास्ट फूड खाने से बड़ा वजन जो है वो परेशानी पैदा करता है, और वर्कआउट करने के बाद भी जो लोग ये चीज़ें खाते हैं उनका वजन आसानी से घटता नहीं है। तो डिटॉक्स के साथ साथ स्वामी जी, ऐसे ज़िद्दी वज़न को कम कैसे किया जाए उसके बारे में भी बताइए। तो एक तो सूर्य नमस्कार करने से, योगिक जोगिंग करने से भी वजन घटता है। फिर वजन घटाने के 10-12 अभ्यास हैं, पूरा पैकेज बता देते हैं। वजन घटाने के लिए एक तो ना ये तिर्यक ताड़ासन, लंबे श्वास, भस्त्रिका कपालभाति साथ साथ तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, फिर एक ये कोणासन, फिर ये एक पाद हस्तासन, ऐसे एक एक अभ्यास को 10 बार से शुरू के 100-200 बार तक शत सहस्र साधना हम करवा देते ऐसे, फिर एक ही है ऐसे। और वेट कम करने के लिए सबसे अच्छा है लोकी कल्प, लौकी ले, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी का बिछा हो तो लौकी का ही हलवा, लौकी की ही खीर, लौकी की ही बर्फी। मैंने कहा ना बहुत लोग तो फिर इसी चक्कर में रहते हैं, आज कौन सी रेसिपी स्वामी रामदेव बताएंगे और फिर अपने घरों में लोग पकाएंगे और मस्ती से खाएंगे, लेकिन पहले योग कर लेना। कभी तुम लौकी कल्प में लौकी का जूस और लौकी का सूप और लौकी की सब्जी छोड़ करके सब जो है लौकी की बर्फी और लौकी की खीर पर ही सोटा घुमाओ, पहले ये घुमाना ऐसे। तो पहले योग उसके बाद फिर लौकी का भोग। और ये बड़ा जबरदस्त है, योग युक्त जहाँ आती है। तो देखो तेन तख्ते न भुंजी था, लौकी कल्प करें, अश्वगंधा के पत्ते ले लें, अश्वगंधा के पत्ते, मेदो हरवटी, वेट गो वो भी गोधन अर्क के साथ में ले लें, नमक मीठा अनाज कम कर दें वेट कम करने के लिए। फिर ये जो उद्वर्तन जो चल रहा था ना अंदर, उद्वर्तन ड्राई मसाज, मसाज, फिर ये जो स्टीम दे रहे हैं इधर, मसाज ड्राई मसाज, ये स्टीम, ये जीएसटी जो दे रहे हैं, ये जीएसटी, ये मड थेरापी, ये सब वेट कम करने में मदद करती है। ये सारी चीज़ें खाली प्रदर्शन के लिए नहीं है ऐसे, फिर उल्टे लेट करके ऐसे, ये भुजंगासन, फिर सलभासन, ओम मस्ती के साथ एक रिदम के साथ रिदमिक योगा, पावर योगा, उधर भी हमारी 3-3 पहलवान बेटियां हैं, ज्योत्सना भी पूरी योगिनी पहलवान बेटी है, और प्रिया और पूजा भी, धीरे धीरे कर ले तेजी से, इससे वेट भी कम होगा और शरीर ऐसे उभर के आएगा स्वस्थ सुंदर सरोल आकर्षक जी। पूरी दुनिया प्रिया जैसी, पूजा जैसी, ज्योत्सना जैसी होनी चाहेगी, पूरी दुनिया हमारे अमित भाई जैसी होनी चाहेगी, पूरी दुनिया स्वामी रामदेव जैसी होनी चाहेगी, योगी होनी चाहेगी, तस्मात योगी भवार्जुना।